हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा विद तेजस्वनी। आज हम करेंगे अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए फुल बॉडी वर्कआउट। इन अगर बिगनर है तो इन आसनों के अभ्यास से वह अपने आप अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि योग का नियम है कि शुरुआत में हल्के आसन किए जाए और आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाए। अगर हम अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं तो हमें आसनों का अभ्यास शुरुआत से ही करना होगा। ये नहीं कि हम किसी भी आसन को कहीं से भी शुरू कर दें और अपनी बॉडी को शेप में ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बॉडी को शेप में लाने के लिए हमें सभी तरह के आसनों का अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में हम हल्के आसन करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एडवांस आसनों का अभ्यास कर सकेंगे और अपने आसनों के अभ्यास की स्पीड को आगे बढ़ा सकेंगे। इन आसनों के अभ्यास से पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है योगा फॉर बिगनर। उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप इन आसनों का अभ्यास शुरू करें। अगर किसी को अल्सर है, हर्निया है, हाई बीपी है, सॉरी हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इन आसनों का अभ्यास ना करें। अगर किसी को हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वह भूलकर भी सांस से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम है तो भूलकर भी सांस ना रोके, और बिगनर है तो भी सांस ना रोके। हर आसन में जब हम होल्ड करते हैं तो वहाँ पर अपनी सांसों को नॉर्मल रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपनी सांसों का। सांस हमें नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि सांसों को हम अपने मूवमेंट के साथ ही ले और मूवमेंट के साथ ही छोड़ें, क्योंकि जब हम सांसों को अपने मूवमेंट के साथ लेते और छोड़ते हैं तो जो हिस्सा हमारा स्ट्रेच हो रहा है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से एक्टिव होता है। एक बार हम क्या करते हैं कई बार कि हमें माना कि हमें सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, सांस भर लिया हमने, अब हम हाथ ऊपर लेकर जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए हमें हाथ वापस लेकर आना है, सांस छोड़ दिया और हाथ वापस लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, ये गलत होता है। हमें अपने मूवमेंट के साथ ही सांस लेना और सांस छोड़ना है। एक बार देखिए, सांस भरते हुए हमें हाथ ऊपर लेके जाना है, अब सांस छोड़ते हुए हमें हाथ नीचे लेके आना है, इस तरह से मूवमेंट के साथ साथ सांस लेना छोड़ना। शुरुआत में आपकी सांसें बहुत छोटी होगी, लेकिन जब आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी सांसों की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले करेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने अलग से भी बनाई हुई है पूरी डिटेल के साथ। एक बार आप इन आसनों का अभ्यास करने से पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। मैट के अगले हिस्से पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक पर, सांस को छोड़ते हुए बैक फॉरवर्ड, कमर सीधी, स्पाइन को लंबा करते हुए दोनों हाथ जमीन पर, घुटनों को टच करने की कोशिश। बैक में प्रेशर है तो घुटने मोड़ लेंगे। इनहेल, लेफ्ट लेग बिहाइंड, लुक अप। एक्सहेल, राइट लेग बिहाइंड, कंधों को प्रेस करने की कोशिश, नाभि को देखने का प्रयास। अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने, छाती, ठोड़ी जमीन पर, हिप्स ऊपर। इनहेल, रेज योर चेस्ट, ओपन योर शोल्डर्स। हाथ साइड में लगे हुए, कोहनी मुड़ी हुई। एक्सहेल, पर्वतासन अगेन। इनहेल, लेफ्ट लेग बिटवीन योर हैंड्स, लुक अप।
हथेली नीचे रहेगी हमारी जमीन पर। एक्सहेल राइट लेग बिटवीन योर हैंड्स, घुटनों को टच करने की कोशिश, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बेंड बैकवर्ड, सांस को छोड़ते हुए नमस्कार पोजिशन। यहाँ पर तीन बार लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें। तो इस तरह से अगर बिगनर है तो शुरुआत में दो बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, अगर बिगनर नहीं है अभ्यासी है तो कम से कम 4 से 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। यहीं से अगला आसन होगा हमारा, दोनों हाथों को सांस भरते हुए बैंड बैक पर, सांस को छोड़ते हुए बैंड फॉरवर्ड, कमर सीधी स्पाइन को लंबा करते हुए बैक में किसी तरह का झटका नहीं देना, धीरे से घुटने टच करने की कोशिश, राइट लेग बिहाइंड। यहाँ पर पैरों को सीधा रखना है, अगर आप शुरुआत में पैर सीधा नहीं रख सकते तो इस तरह से आप जमीन पर भी घुटने को रख सकते हैं। सांस को भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, अपने आप क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, राइट लेफ्ट लेग बिहाइंड। पर्वतासन अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर होल्ड करेंगे। अष्टांग नमस्कार, सांस को भरते हुए भुजंगासन, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन, राइट लेग बिटवीन योर हैंड्स। यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार या तो घुटना टेक सकते हैं या फिर इस तरह से रखें, सांस को भरते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस को छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस को छोड़ते वापस, लेफ्ट लेग बिटवीन योर हैंड्स, घुटनों को टच करने की कोशिश, सांस भरते ऊपर बेंड बैकवर्ड, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, इन्हेल एंड एक्सहेल 3 times। दोबारा से फिर सांस भरते दोनों हाथों पर लेके जाएंगे बैंड बैक पर, सांस को छोड़ते हुए बैंड फोर पर, बैक को किसी तरह से झटका नहीं, घुटनों को टच करने की कोशिश, दोनों पैर पीछे पर्वतासन में अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। यहाँ पर दोनों घुटने जमीन पर रखते हुए, पंजे नीचे रखते हुए, दोनों हाथ थोड़ा पीछे करते हुए, हमारे कंधे ठीक हमारे कलाई के ऊपर होंगे, हमारा हिप्स ठीक हमारे नी के ऊपर होंगे, मार्जरी आसन, सांस को भरते हुए हेड अप बैक डाउन, सांस को छोड़ते हुए हेड डाउन बैक अप, पेट अंदर की ओर, सांस भरते हुए अगर सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे नहीं लेकर जानी है, सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल शशांकासन। इसी तरह से दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए एंड रिलैक्स। अगर हमारा सर जमीन तक नहीं जा रहा है
तो आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मुट्ठियाँ रखते हुए अपने सर को इस तरह से रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। यहीं से अगला आसन होगा हमारा भुजंगासन। सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस, सांस को भरते हुए दोबारा से सांस को छोड़ते हुए वापस। अगला आसन तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ एक दूसरे को ऊपर रखते हुए सांस को भरते हुए हाथ सीधे करेंगे, सांस को छोड़ते हुए राइट हील को देखने की कोशिश, कंधे हमारे स्थिर रहेंगे। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हील को देखने की कोशिश, सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोबारा से फिर सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए राइट हील को देखने की कोशिश, कंधे स्थिर रहेंगे। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हील को देखने की कोशिश, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला आसन दोनों हाथ साइड में रखते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, सांस को भरते हुए आगे से बॉडी को उठाने की कोशिश और पीछे से पैरों को उठाने की कोशिश। सांसों को ध्यान रखना है, अपने मूवमेंट के साथ साथ लेना छोड़ना है। सांस छोड़ते वापस, दोबारा से फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते वापस। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करना है आपको। अगला आसन दोनों हाथ हमारे थाई के बीच में मुट्ठी बंद होगी हमारी इस तरह से। सांस भरते हुए राइट पैर को उठाने की कोशिश, सांसें नॉर्मल रखेंगे आप शुरुआत में। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए लेफ्ट को उठाने की कोशिश, थोड़ी जमीन पर रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस, राइट पैर को सांस भरते हुए दोबारा से सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को सांस छोड़ते हुए वापस, थोड़ी जमीन पर रहेगी। सांस भरते दोनों पैरों को उठाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए वापस। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ आगे रखते हुए मकरासन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और लेफ्ट साइड से होते हुए कमर के बल आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी कमर के बल आए, लेफ्ट साइड से होते हुए कमर के बल आए जब भी उठे तो लेफ्ट साइड से होते हुए उठे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ पर एक बार हम ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरी बॉडी को सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों हाथ हिप्स के नीचे लेकर जाएंगे ताकि बैक में किसी तरह का प्रेशर ना आए। हाथ भी बाहर नहीं रखेंगे, हिप्स के नीचे रखेंगे। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर लेकर जाएंगे, पंजे तने हुए। अपनी अक्षमता के अनुसार यहाँ पर होल्ड करेंगे। बिगनर है तो सांस नॉर्मल रखें, सांस छोड़ते वापस।
सांस भरते दोबारा से, ध्यान रखें कि हाथ हमारे हिप्स के नीचे रहे, सांस को छोड़ते वापस। अब हमें 60 डिग्री पर लेकर जाने हैं दोनों पैरों को, सांस भरते हुए सांसें नॉर्मल रखेंगे। बिगनर यहाँ पर अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यह अभ्यास हमारे पेट की चर्बी को कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहे। सांस को भरते दोबारा से फिर 60 डिग्री पर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है, बहुत धीरे धीरे। अब सांस को भरते हुए 90 डिग्री पर लेकर जाना है दोनों पैरों को, पंजे तने हुए ऊपर की ओर, सांसें नॉर्मल रखें। अगर किसी को इस तरह होल्ड करने में दिक्कत होती है तो वह इस तरह भी होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को दोनों पैरों से करने में शुरुआत में दिक्कत होती है तो शुरुआत में एक एक पैर से अभ्यास को कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, धीरे धीरे से सांस छोड़ते वापस आए। यहाँ पर आप घुटने मोड़ कर भी वापस आ सकते हैं धीरे से। एंड रिलैक्स, सांसें नॉर्मल। एक बार बैक को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। रिलैक्स, इन आसनों के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे मरकटासन 1, ताकि अगर बैक में किसी तरह का प्रेशर आया है थोड़ा बहुत तो वह साथ के साथ ठीक हो जाए। दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों पैरों को हिप्स के पास लेकर आएंगे, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना। सांस को भरते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। कोशिश करें कि कंधे ना उठे, हथेली को देखने की कोशिश। सांस को भरते हुए वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। सांस भरते वापस, सांस को छोड़ते हुए चेन साइड। सांस को भरते हुए वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 फीट की दूरी, पंजे अंदर बाहर, दोनों हाथ कंधे ऊपर नीचे, गर्दन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड रिलैक्स। यहाँ पर सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ध्यान अपनी सांसों पर, बॉडी बिल्कुल ढीली। 5 मिनट का शवासन, 5 मिनट का रिलैक्स यहाँ पर आप अपनी बॉडी को देंगे। 5 मिनट के बाद फिर आप लेफ्ट साइड से होते हुए बैठ जाए। तो ये हो गया हमारा आज का अभ्यास। धीरे धीरे से इन आसनों का अभ्यास शुरू करें, फिर मिलते हैं इससे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।